अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये सीधी तस्वीर इस वक्त झारखंड यानी रांची उनकी जो राजधानी है वहां पर राजभवन से आ रही हैं, जहां पर करीब चार महीने बाद मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हुए हेमंत सोरेन, उन्हें जब अरेस्ट किया गया था उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था और उसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद एक हफ्ता उनको बाहर आए हुए हुआ है, वहां पर हेमंत सोरेन ने अब कमान अपने हाथ में एक बार फिर से ले ली है। आपको याद दिला दें झारखंड में इस बार चुनाव भी हैं, अब अगले कुछ महीनों में झारखंड में चुनाव भी होंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार इस बार जुड़ रहे हैं। मनीष जी, हेमंत सोरेन की वापसी को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा देखा जाए तो दोनों तरफ से जो बीजेपी है वो कह रही है कि देखिए इनको सत्ता का कितनी लालच है, बाहर आते ही कुर्सी पर बैठ गए, और दूसरी तरफ एक बार फिर से कमान अपने हाथ में लेते दिखाई पड़ रहे हैं चुनाव से पहले। अंकित देखिए, अगर हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सत्ता की कमान संभाली है तो उसके पीछे दो ही कारण बताए जा रहे हैं। एक कि जो विधायक हैं महागठबंधन के जो विधायक हैं वो ये चाहते थे कि क्योंकि मैंडेट शुरू से ही हेमंत सोरेन को मिला है और खासकर पाँच महीने जेल से निकलने के बाद और खासकर जब उन्हें जेल भेजा गया उससे झारखंड के का जो एक बड़ा वोटरों का जो तबका है आदिवासी हो पिछड़े हो दलित हो उसके बीच में हेमंत सोरेन का ग्राफ या उनकी आप लोकप्रियता और बढ़ी है, जिसका एक नज़ारा लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला कि जब जो अनुसूचित जनजाति यानी कि जो आदिवासियों के लिए जो पांच सीटें वहां रिजर्व हैं वो चाईबासा की सीट हो, लोहरदग्गा, खूंटी, दुमका और साथ ही साथ राजमहल की सीट, वो सारी सीटें जो है महागठबंधन जीती थी, दो कांग्रेस, तीन जेएमएम ने जीती थी, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो है कि हेमंत सोरेन अगर अगले दो महीने या तीन महीने इंतजार करते तो झारखंड के अंदर एक समानांतर सत्ता का वो केंद्र होते, उसमें मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी या कहिए मुख्यमंत्री का जो एक अपना इकबाल होता है वो भी कम होता और साथ ही साथ उनको और ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ती। लेकिन इस पूरे सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ है उसमें निश्चित रूप से जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है वो खुश नहीं थे। वो कल उन्होंने काफ़ी जो बैठक हुई उसमें काफ़ी रुआंसे होकर उन्होंने ये सफाई दी कि आपको दो से तीन महीने तक आपको इंतजार करना चाहिए था। लेकिन विधायकों का मत यह था कि चूंकि चुनाव एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ना है इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि फिर कोई बिहार में जैसा एक जीतन राम मांझी प्रकरण हुआ था वैसी कोई स्थिति आए। बिल्कुल उसी पर से जुड़ा मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि शायद बिहार में जो हुआ जो पड़ोसी राज्य में उससे सीख लेते हुए हेमंत सोरेन बिल्कुल देरी नहीं करना चाह रहे हैं, आगे अब जिस तरीके से कार्रवाई होगी क्योंकि हेमंत सोरेन बेल पर अभी बाहर हैं, पूरी तरीके से बरी नहीं हुए हैं, किस तरीके से आप राजनीति में मोड़ देख रहे हैं, उनकी पत्नी भी अब MLA बन गई है। देखिए अंकित, जो भले ही वो जमानत पर हों लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय का उनके मामले में जो फैसला आया है उस फैसले से आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि एक बारगी उन्हें क्लीन चिट मिल गया है, क्योंकि जो ईडी का जो केस था उस केस के बारे में काफ़ी प्रतिकूल टिप्पणियां झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने
हेमंत सोरेन के मामले में उन्हें जमानत देते हुए की है। भले ही ईडी यह कह रही हो कि वह आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, लेकिन आज की तारीख में जो झारखंड के जो महागठबंधन के समर्थक हैं, खासकर जेएमएम के जो समर्थक हैं, हेमंत सोरेन के समर्थक हैं, उनका यही कहना है कि वो पाक साफ होके निकले हैं। जो हाईकोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले में जो वाक्य हैं, जो पंक्तियां हैं, उससे तो यही साफ होता है कि उनके खिलाफ जो मामला था उसे निरस्त कर दिया गया है। वैसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर उन्हें जेल जाने की कोई संभावना नहीं लग रही है। अगर वो ऐसी संभावना भी आती है तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड की राजनीति में जो महागठबंधन की स्टार कैंपेनर थी वो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी थी, और कल्पना सोरेन ने कई जगहों पर न केवल प्रचार किया बल्कि अब वो झारखंड विधानसभा में विधायक बनकर भी वापस आई हैं। अंकित मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में सत्ता परिवर्तन, हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर हो रहे हैं आसीन। अभी यहाँ पर शपथ समारोह की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। आने वाले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और उसके मद्देनजर ये एक अहम घटना इस वक्त झारखंड में दिखाई पड़ रही है।